First of all, congratulations to Midday and IIIA for having this amazing event here in Mumbai. And I'm super excited about it because I'm going to be walking the ramp. I'm the showstopper for today's evening designer walks. So I'm super excited and there are a lot of influencers here. Un sabko bahut bahut mubarakbad. All the very best to all the winners and keep doing a lot of social media, keep influencing people in your various different ways. Thank you. मैं बहुत excited हूँ. नहीं, मैं बहुत ही happy हूँ कि ऐसे awards हो रहे हैं. I think अच्छा लग रहा है कि सब लोग अभी awards रख रहे हैं. हम सब फिर से dress up होके वापस बाहर निकल सकते हैं. मैंने पहले भी बोला है, I think मेरी माँ, मेरी नानी मेरी बहुत ही बड़ी influence थी. environment को लेकर जो मेरा कॉज है उसके लिए मैं बहुत ही इन्फ्लुएंस हुई हूँ मेरी नानी से, शोभना समर से. आई एम वेरी एक्साइटेड एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द इन्फ्लुएंसर्स हु हैव बीन नॉमिनेटेड, हु आर गेटिंग द अवार्ड हियर, बिकॉज देयर टैलेंट इज समथिंग विच रियली नीड्स अ सॉर्ट ऑफ रिकग्निशन. एंड थैंक्स टू मिड डे फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड अरेंजिंग फॉर सच अ प्लेटफॉर्म. बेसिकली करंटली जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है, आई वुड नॉट लाइक टू नेम अ पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर, बट आई थिंक आई रियली लाइक नगमा एंड बट बाकी भी जो भी बडिंग इन्फ्लुएंसर्स है, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. सो हैट्स ऑफ टू देम एज वेल. मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ. एक तो मैं कोविड के बाद इवेंट्स इतने कम हुए हैं तो काफ़ी टाइम बाद मैं बाहर निकली हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलकर एंड बहुत एक्साइटेड हूँ. मेरी मम्मी. मुझे प्रियंका चोपड़ा बहुत पसंद है. आई थिंक उन्होंने जो भी अचीव किया है, जो भी किया है, आई थिंक इट्स वेरी वेरी नाइस. सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ यूधरा करके, और तेलुगु में एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ फिलहाल. सो दीस आर द टू प्रोजेक्ट्स. बहुत अच्छा लग रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ओजस्वी कोंढे एंड आई एम फ्रॉम पुणे. They say it doesn't matter how many times you win an award, it's always special, and it's true, but I would like to feel this special thing again and again and again. And a special thanks to Midday Awards and Kishore sir for all your love and care. And I would like to share my feelings by this famous Hindi quote that जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है और हम आसमान जीतने की चाह रखते हैं. एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. थैंक यू. देखिए, मुझे जहाँ तक पीछे याद है, मैं शायद यहाँ पे नहीं आया हूँ, तो ये मेरा पहली बार है एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस. और जैसे कि मैंने जस्ट अभी मैं अंदर आया हूँ, तो अंदर क्या हो रहा है आई डोंट नो, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस. मैं रियल लाइफ जीता हूँ, इन द सेंस कि यार हम सब इंडस्ट्री में काम करते हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री में से मैं बिलोंग करता हूँ, तो रियल लाइफ में मैं म्यूज़िक करता हूँ रियल लाइफ के लिए. सो कहीं ना कहीं मैं दोनों से इंस्पायर होता हूँ. और यू नो, कोई भी आर्टिस्ट चाहे वो कुछ भी कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो इंस्पायर होता ही होता है. और हम अपने फ्रेंड्स से, अपनी इंडस्ट्री में एक दूसरे से इंस्पायर होते रहते हैं. सर, हाल ही में आपको सुपर जोड़ी में काफ़ी प्यार मिला, आपको उस जोड़ी को काफ़ी सराहाया गया, उसके बारे में सर क्या कुछ करना चाहूँगा मैं? मतलब यू नो, मैंने तो काफ़ी इधर टीवी पे या कहीं गया हूँ, मेरी वाइफ के लिए पहली बार था, सो वो एक नई चीज़ थी उसमें, तो आई थिंक वो खुश थी. और मैंने यू नो कभी भी टास्क ऐसा किया नहीं था, तो जितनी यू नो जितना लोगों को प्यार मिला, लेकिन मुझे पता है कि हम ज़्यादा आगे नहीं जा पाए थे क्योंकि मेरी आदत नहीं थी वो करने की. एक्चुअली मैंने वो शो सिर्फ मेरी वाइफ के लिए किया था. सो यू नो, हैड अ गुड एक्सपीरियंस, एक्चुअली बहुत बहुत अच्छा रहा. अरे इसका अच्छा, कल का कितना, एक दिन का जो 8 CR 7.5 ऐसा कुछ, सो काफ़ी अच्छी यू नो
ہم سب ڈر رہے تھے اور کہیں نہ کہیں ہم سب ایک دوسرے سے فون پہ بات کر رہے تھے کہ کل ریلیز ہونے والی ہے یار کیا ہوگا. یو نو اگر پیچھے دیکھیں تو اتنا باکس آفس میں اتنا یو نو پرابلم ہو رہا ہے, اتنا اچھا کلیکشن نہیں آ پا رہا ہے. تو یہی ہو رہا تھا کہ گانے یو نو اچھے ہیں, پکڑ گئے ہیں, سب البم سن رہے ہیں اور آئی تھنک اچھا ہونے والا ہے. تو ٹچ فٹ بہت اچھا ہوا اور یو نو گلیاں واپس سے آیا. سو میرے سے زیادہ خوش کون ہو سکتا ہے, آئی ایم ریئلی ہیپی.